हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैंने अपनी वॉइस रिवील करी है और इस वीडियो में मैं आपको सुपर सैयजिन रोज़े मतलब सुपर सैयजिन रोज़ के बारे में सारी बातें बताने जा रहा हूँ। इसलिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियोज़ को लाइक करिए और जितने ज़्यादा हो सके मेरे वीडियोज़ को शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि सुपर सैयजिन रोज एक फॉर्म है जो सिर्फ गोकू ब्लैक में असेस की थी ड्रैगन बॉल सुपर के फ्यूचर ट्रंस आर्क में, और यह फॉर्म गोकू के सुपर सैयजिन ब्लू से थोड़ी सी ज़्यादा पावरफुल है। और हाँ दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होगा कि क्या गोकू और वेजिटा सुपर सैयजिन रोज को अचीव कर सकते हैं। इसका जवाब है नहीं, सुपर सैयजिन रोज को अचीव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि गोकू ब्लैक जमासू है और उसके पास गॉडली की है, और एज की जमासू गोकू के बॉडी में है, गोकू के बॉडी में गॉडली की आसानी से आ गई और उस गॉडली की को सुपर सैयजिन फॉर्म के साथ फ्यूज करके गोकू ब्लैक यानी जमासू ने सुपर सैयजिन रोज को पा लिया। और अभी आप बोलोगे कि गोकू का सुपर सैयजिन ब्लू भी तो गॉड फॉर्म है तो वो क्यों नहीं अचीव कर सकता। तो इसका जवाब है कि सुपर सैयजिन रोज को यूज करने के लिए यूजर के पास बेस फॉर्म में गॉडली की होनी चाहिए। और आप लोग अब ये बोलोगे कि सुपर सैयजिन गॉड भी तो एक बेस फॉर्म है तो उसके पास भी तो गॉडली की है। लेकिन दोस्तों सुनिए एक बात, सुपर सैयजिन गॉड एक बेस फॉर्म नहीं है, वो सुपर सैयजिन ब्लू यानी कि गॉड फॉर्म्स का बेस फॉर्म है और सुपर सैयजिन 3 से थोड़ा ज़्यादा पावरफुल है। जैसा कि मैंने कहा, बेस फॉर्म में गॉडली की होनी चाहिए, बेस फॉर्म मतलब प्योर बेस फॉर्म, तो ही यूजर को सुपर सैयजिन रोज को अचीव करने का मौका मिल सकता है। तो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और मेरे वीडियोस को शेयर करना और मेरे वीडियोस को लाइक करना। सो गाइस, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।